हेलो एवरीवन। तो आज बनने जा रहे हैं रुबना किचन में बहुत ही मज़ेदार सा चिकन वेजी पराठा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। तो गाइस ये देखें कितना मज़ेदार सा और स्पाइसी सा हमने जो है वो ये अपना चिकन वेजी पराठा बनाया है और घर में सबको बहुत ही पसंद आएगा, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। तो गाइज उसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, मैंने लिया है हाफ कप मैंने शिमला मिर्ची लिया है, हाफ कप मैंने बंद गोभी लिया है, हाफ कप मैंने जो है वो फाइन चॉप करी हुई प्याज ली है, हरा धनिया लिया है मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लीजिएगा, और 6 से 7 मैंने हरी मिर्ची ली है। तो ये हो गई हमारी सारी वेजीज। चिकन का कीमा मैंने लिया है 250 ग्राम। स्पाइसीज में मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, साबुत धनिया मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें ली है मैंने 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा। तो गाइस चलते हैं फिर इसको कुक करने के किस तरह कुक होगा। और अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर अदरक लहसुन के पेस्ट को हम जो है वो सॉटे करेंगे। इसके अंदर हम चिकन का कीमा भी डाल देंगे, उसको भी हम थोड़ी देर भूनेंगे। तो ये देखिए गाइस हम जो है वो चिकन के कीमे को भी अच्छी तरह अदरक लहसुन के साथ अच्छे भुनेंगे। और गाइस इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए हमारे चिकन का जो कीमा है वो अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, बहुत ही कम और बहुत ही मज़ेदार से स्पाइसेस हैं कि आप जब इसको ट्राई करेंगे ना गाइस तो ये हर किसी का फेवरेट पराठा बन जाएगा। तो हम इसको भी थोड़ी सी देर भूनेंगे। अब मैं इसके अंदर जो है वो शिमला मिर्चे और कैबेज डाल दूंगी और उसको हम जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारी ये वाली जो वेजीज है वो थोड़ी सी नरम हो जाए, थोड़ी सी कुक हो जाए। और हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज जो है वो हम जब डालेंगे जब हम अपने फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि प्याज जो है वो अपना पानी जो है वो रिलीज़ कर देती है। तो हमें जो है वो स्टफिंग जो है वो बिल्कुल ड्राई चाहिए। तो ये देखिए हमारी वेजीज जो है वो नरम हो गई हैं, कुक भी हो गई हैं। तो अब हम इस टाइम पे हमने क्या करा है गाइस, हमने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया है और अब हम इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज जो है वो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डाल के और मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे। फिर इसके बाद हम बनाएंगे अपने पराठे। तो ये देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ इसको मिला रही हूँ और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और किसी भी पॉट के अंदर किसी भी बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे। और अगर बच्चे जो है वो कभी मूड नहीं हो रहा था तो ये पराठे आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो ये आटा जो है वो मैंने गूंद के रख लिया है। आटा मैंने वाइट वाला लिया है यानी कि फाइन आटा लिया है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं और रेगुलर आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरी से थोड़े से बड़े पर जो है वो इसके पेड़े बनाए हैं और अब हम उसको जो है वो बहुत बारीक सा बेलेंगे। तो ये देखिए हमने बहुत बारीक सा बेल लिया, उसके अंदर हम स्टफिंग रखेंगे और 2 अदद अंडे जो है वो मैंने अच्छी सी बड़ी सी प्लेटर के अंदर उसको अच्छे से जो है वो निकाल के रख लिया है। और हम थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर अंडा लगाएंगे और इसको अच्छे से जो है वो बॉक्स की शेप दे देंगे। तो ये देखें गाइस हमने इस तरह जो है वो इसको शेप दे देंगे। आप चाहें तो कोई और सी भी शेप दे सकते हैं लेकिन मैंने इसको बॉक्स की शेप दी है। तो ये देखें जो मैंने प्लेट में 2 अदद अंडे जो है वो तोड़ के फेंट के रखे थे, अब हम इसको इस तरह जो है अंडे के अंदर अच्छे से पूरी तरह से इसको कवर करेंगे। और ये देखें मैंने तवे के ऊपर जो है वो 2 टेबल स्पून घी डाला था और हम उसके अंदर इसको शैलो फ्राई करेंगे, मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो ये देखें हमारे जो है चिकन वेजी पराठे जो हैं वो बड़े मज़ेदार से जो है वो फ्राई हो रहे हैं और इतनी मज़ेदार से इसकी जो है वो खुशबू घर में आ रही है। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ये देखें गाइस ये इस तरह फूल जाते हैं। तो ये देखें हमारे जो है चिकन वेजी पराठे जो हैं वो रेडी हो गए और डिश आउट भी हो गए। तो गाइस ये देखें कितने मज़ेदार और ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो गाइस इसको ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि ट्राई करना मस्ट है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं इसको हरी चटनी के साथ जो है वो सर्व कर रही हूँ, बड़ी मज़ेदार सी हरी चटनी होती है और केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रायता भी इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।